ले इसको ऊपर ले जा, चल चल आधे पीछे से आ गयो, चल चल ले जाओ ऊपर, गुड बॉय। गोल्डी को मिस्टर जी उनकी याद आ रही है ना गोल्डी, वो देख मिस्टर जी लोग आ गए, गोल्डी मिस्टर जी लोग आ गए, मिस्टर जी लोग आ गए गोल्डी, जब रोड में जाओ, स्कूटी आ गई, देख तो स्कूटी आ गई, मिस्टर जी लोग आ गए, जब रोड में जा जल्दी, वो वहाँ आ रहे हैं, वो आ गए आगे आगे, ये देखो इतना मिस करता है, ये भी उदास हो जा रहा है दिन भर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं थलधार, जो ऊपर टॉप वाला गांव है वहां जाना है ये पहुंचाने के लिए, तो मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। सबों का मेरा प्यार भरा पहला मैं कहीं ना करती फसंद स्वागत करना तुम्हारा अपने यूट्यूब चैनल हिलन ब्लॉग्स में। मैं आ गई हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ, और नए ब्लॉग स्टार्ट में रत्ता बत करनी और अपन देह बकनी और देह आल घाम पूछ गो, और आज ही पूरा आज मौसम बढ़िया वालू, अब दिन में तक देखने को सूँ क्योंकि दिन में चेंज हो जाना एकदम, तो पूरा मौसम क्लियर हुआ आज एकदम आसमान सा। तो पापा ना आज ले घर ना हो, यानी कि शॉर्ट ससुर जी आज ले घर ना हो, आज ले नियुक्त करने जा रहा, तो अच्छा एक दिन ले घर ने टिकी ना है, रोज़ ना रोज है नियुक्त कर पड़ना बैठती दें, तो बढ़िया ले नज़ीक आ गया, अब चार पाँच दिन बैसरन बैठती दें, तो काम ले लगभग वे को पेंट कर ले लगभग वे को, बस गोल्डन बैसर तो गोल्डन पेंट है मिल पूर्णवी ले तक करा छी, वह अंधेर वे को छी तो छत में न करा, अब छत में मंदिर वाल में गोल्डन पेंट कन हो, बैंक सब साफ सफाई हो गए, बस मंदिर हो तो मंदिर विदिन साफ सफाई है जाला गिल दिन। काफ़ी लोगों को मेरी पहाड़ी समझ में आ रही होगी और काफ़ी लोगों को नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमारी पहाड़ी ना अलग ही है, जैसे कपकोट बागेश्वर वाली खप जाती है वो समझ में भी आ जाती है, तो हमारी पहाड़ी एकदम से चेंज वाली है दानपुर टाइप की, तो हम दानपुर से ही हैं, दानपुर साइड के ही हैं, तो वही पहाड़ी होगी, तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा होगा। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपकी कुमाऊनी भाषा अच्छी है, पहाड़ी में ही बोला करो, तो इसलिए मैं पहाड़ी का यूज भी कर रही हूँ। तो गोल्डी को हमने यहाँ पर बांध रखा है, और गोल्डी को शादी के टाइम पर बांधने वाली आदत डालने, वरना ये किसी बच्चों को गिरा देगा। मैं जान बैगी हूँ एल छत में पेंट डाबली बे, और इला हमारे पेंट वेगो चाहिए पूरा गोल्डन, और सीरीन में ले रेड कर गया बे, ये वाल काम करो, आज मौसम देखो ले मेरी टॉप वाली छत में बे, तो कुछ पछिल पर घाम है को, और कुछ इस टाइप का मौसम है एकदम क्लियर वाल, दिन में तक पतना पर कह सूँ क्योंकि मौसम के विश्वास ना हो ये, तो करती हूँ पेंट, आज भी अकेले हूँ, मिस्टर जी लोग कभी भी शादी में हैं, तो गाइस आधा पेंट हो चुका है और आधा अभी भी बचा है, तो मतलब आधा नहीं अब तो कम बचा है, लेकिन धूप लग रही है ज़्यादा ज़्यादा, तो आधा काम कर लिया और थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ मैं बस ऐसे ही, और ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ, तो धूप ना ज़्यादा ज़्यादा लगने लगी है, और मैंने अभी तक इस वाले में किया है पेंट, और यहाँ पर यहाँ पे और वहाँ पे क्या, तो ऊपर के वो तीन गोलों में नहीं गया फिर बचा वो, तो उसके बाद हमारा पेंटिंग का काम पूरा कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद बचेगा किचन की सफाई और मंदिर की सफाई, तो यहाँ है मंदिर, मबोड़ी मोन चटकाएंगे, मैं तो भूल गई थी हमारे पास मोन है यानी कि मधुमक्खी, तो ये है मधुमक्खी का छत्ता, तो रंग चुन कम्प्लीट होगा और रंग ख़त्म होगा गोल्ड कलर, तो आप ब्रश धोनो और हाथ ले साफ कर लेनो पेंट, क्योंकि ये मैं गोपरो में लगो तो मैं पेंट साफ करो, फिर मिलो तमीन है। खाना रखा हुआ है चूल्हे पे, दाल और भात, यहाँ पे एकदम बाल खुले करके हीरोइन की तरह बैठ गया ये लंबे बालों का राज। तो बन रहा है खाना हमारा यहाँ पे, तो गाइस अभी हम जा रहे हैं थलधार, जो ऊपर टॉप वाला गांव है वहाँ जाना है ये पहुँचाने के लिए, तो मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, गाँव की सभी औरतें जा रही थी तो मैं भी जा रही हूँ आज साथ में। तो गाइस मैं ब्लॉग को कंटिन्यू शाम के 5 बजे से कर रही हूँ, और अभी मैं आई हुई हूँ ऊपर वाले गांव में, तो यहाँ पे बोला जाता है थलधार, तो यहाँ पे ना हम लोग आए हैं, अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड की दीदी भी रहती है यहीं, तो उन्हीं के घर पर आए हम, उन्हीं का सामान पहुँचाना था, तो लकड़ियाँ
पटेल जैसे लाने थे दरवाजे के लिए, तो वो पहुँचा। गांव की औरतें आ रही थी तो मैं भी साथ में आ गई। और ऐसा होता है ना, नीचे कुछ दिहाड़ी में लगाते हैं, यहाँ गांव की औरतें और जो भी हैं मेंबर सब मिलकर ले जाते हैं। तो यहाँ की औरतें भिगी हैं और नीचे वाले गाँव के हम लोग लेके आ गए हैं। तो रास्ते का बनाया नहीं मैंने, क्योंकि मैंने घर से ही स्टार्ट नहीं किया था, पता ही नहीं था, अचानक से आ गए इसलिए। तो अभी स्टार्ट किया मैंने, यहीं आके ब्लॉग को कंटिन्यू किया, गोप्रो साथ में लाई थी। तो चलते हैं नीचे, कितने लोग आए हैं दिखाते हैं आपको। कितने लोग आए थे, ब्रेक हो रहा है, चाय बिस्कुट चल रहा है, बहुत सुबह शापली थे स्कूल की, फिर वहाँ से शापली गई, शापली से घर आई, फिर यहाँ थलीदार पलाई पहुँचाई, पलाई पर हाँ तो नहीं पीती मैं तो इन्होंने बता दिया पलाई पहुँचाने में, भूल गई थी क्या बोलते हैं। तो हम लोग को लेके आए वहाँ पर जो सामान है, तो वो लेके आए हम लोग, ये सारे हम लेके आए हैं जितने यहाँ पर औरतें हैं, और ये सारी शरण की औरतें हैं। तो यहाँ पे मिठाइयाँ भी आ रही है हमारे लिए स्पेशल, ये लक्ष्मी की दीदी ब्लॉग चालू, हेलो कह दियो मैं। हम एक ही मायके वाले हैं, ये हमारे मायके गई है। तो हम खाते हैं बाल मिठाई, सब लोग खाने लग गए, इनकी चाय खत्म नहीं हुई है अभी तक। कितनी दो दूसरी तीसरी गिलास है, दो नीचे रख दी, एक दो तीन चौथी, चार गिलास हैप्पी वीट गंग गड़ी टोई घर बना दियो ना जी। तो गाइस ये देखो पुराने जमाने का मकान, पहले ऐसे मकान होते थे, वैसे पहले दिखा रखे हैं, ये देखो दरवाजे इसकी डिजाइन और खिड़की में डिजाइन कितनी मस्त लगती है, ये देखो। तो ना मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इसलिए मैं चारों ओर से देखना चाहती हूँ कहाँ कहाँ दिखता है यहाँ करके। मैंने मॉर्निंग पे बोला था ना, शाम को मौसम का कुछ पता नहीं चलता, ये देखो ऐसा हो गया। दिन पे एक बार आगे बारिश हुई थी, फिर अभी ऐसी हो गया। सामने दिख रहा है डना और वहाँ तोली का गाँव, नीचे रोड दिख रही है तोली वाली, ये तो काफ़ी तेज हवा चल रही है इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी जाने लग गए फिर से। और ये मकान बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, पहले स्टार्टिंग में ये वाले मकान, और इसमें ऊपर से छत पाक होगा इसमें पत्थरों का, ये फिर सेकंड में ये वाला मकान बनना स्टार्ट हुआ, ये भी यूनिक है, ये अब वाला बन रहा है सामने वाला। तो कहीं हम उस वाले घर से आके इस वाले घर पर रुके हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी की तबीयत ख़राब हुई है, तो गांव में होता है ना किसी की तबीयत ख़राब होती तो बैठने पूछताछ के लिए जाते हैं ऐसे ही बैठने। तो अभी सारी औरतें यहाँ चलेगी, मैं भी अंदर जाती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। और यहाँ पर देखो ये लहसुन की पत्तियाँ, खेतों में सिंचाई चल रही है यहाँ पर, ये तो हम लोग निकलने लग गए हैं यहाँ से। और वहाँ पर किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है इसलिए वहाँ पर रुके थे सारे गांव वाले। तो अभी हम निकलने लग गए हैं और यहाँ के खेती देखो अमर हर हर बन के नहीं भाई, ये देखो गेहूँ हरियाली हो रखी है। तो हमने जाना है वहाँ, हमारा घर दिख रहा होगा आपको, और ये है रास्ता ऐसे ऐसे, फिर वो पेड़ों के बीच से निकलेंगे रोड में। तो यहाँ से दिख रहा है ये इतने पहाड़, मौसम तो एकदम काले बादल हैं, सब लोग चले गए हो। तो मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी और ठीक है एक्सपीरियंस रहा। तो पलाई लेके आई फर्स्ट टाइम ही, खाली हाथ कभी नहीं आई थी, और काफ़ी सीधी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर, तो सांस फूल रही थी इसलिए मैंने आधे टाइम का ब्लॉग तो नहीं बनाया, अभी ज़्यादा टाइम का बना रही हूँ। और घर जाके भी खाना भी बनाना है, वैसे मम्मी बना लेती हैं, मुझे बस वीडियो में बोलना होगा ज़्यादातर। तो घर जाके आधा कुछ ना कुछ तो कर ही लिया होगा, देखते हैं घर जाके। और पापा भी निमंत्रण देने गए थे कपकोट, तो वो भी आ गए हैं सब लोग। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं घर पे, और रोड और रास्ता देख के पहचान लिया होगा आपने, बारिश की बूंदें भी आ रही, मौसम ने बहुत साथ दिया, ऐसे करके ले गए थे हम पलाई सर में रख के ये। और पहुँच गए घर पर, देखती हूँ घर पर क्या क्या किया, साग सब्जी ये देखते ही गोल्डी भी नीचे आ गया। गोल्डी ऊपर चल सीधे, ले इसे ले जा, ले इसको ऊपर ले जा, चल हाँ चल चल, आधे पीछे से आ गयो, चल चल ले जा ऊपर, गुड बॉय, चल चल अजय नीचे, मैं नीचे जा ली, अजय जल्दी आ, गुड बॉय, चल ला दे मेरे को। तो अभी ना शाम के 7 बजने वाले हैं, और 7 बजे का मौसम कुछ ऐसा हुआ है, बारिश रुक गई है फिर से, ये नीचे कहीं आपको बूंदाबांदी नहीं दिख रही होगी, फिर से बारिश आ रही है जा रही है, और मौसम कुछ ऐसा हुआ है। ये गोल्डी को मिस्टर जी उनकी याद आ रही है ना गोल्डी, वो देख मिस्टर जी लोग आगे, गोल्डी मिस्टर जी लोग आगे, मिस्टर जी लोग आगे, गोल्डी जा रोड में जाओ, स्कूटी आगे देख तो, स्कूटी आगे, मिस्टर जी लोग आगे, जा रोड में जा जल्दी, वो वहाँ आ रहे हैं, वो आगे आगे आगे, ये देखो
इतना मिस करता है, ये भी उदास हो जा रहा है दिन भर। मिस्टर जी गोल्डी तो ऊपर ही है, नीचे है कमरे में, नीचे आ गए। यहाँ मैं नीचे जा रही मिस्टर जी उनके साथ, मैं जा रही नीचे, मैं नीचे जा रही मिस्टर जी उनके साथ, नीचे हैं। छिबो कल आएंगे, परसों आएंगे, परसों आएंगे। हाँ आजा छिबो, तेरे को याद आती है उनके, हैं दद्दा लोगों की याद आती है तेरे को। अच्छा है गोली, अटैचमेंट है इसको भी, अटैचमेंट है इसको भी दद्दा लोग। गुच्छा अब देखो, हाँ और फिर से मुँह मुड़ा लेगा। गुस्सा गोलो नहीं आए हैं तो अच्छा है ना। ये मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं क्योंकि मौसम भी ख़राब हुआ है और लाइट कम हो जाएगी उसके बाद, तो गोप्रो में ज़्यादा दिखता नहीं है, डिम डिम हो जाता है। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं ही नू मिलती हूँ आपको जल्द एक नेक्स्ट ब्लॉग पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।